धनबाद में एक जज की हत्या और तमाड़ में एक अधिवक्ता की हुई निर्मम हत्या के खिलाफ गिरिडीह व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ताओं ने झारखंड बार काउंसिल के आह्वान पर शुक्रवार को एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों से अपने आप को अलग रखा। नतीजतन न्यायिक कार्य पूरी तरह से बाधित रही। इस बाबत अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय ने बताया कि पूरे झारखंड में झारखंड बार काउंसिल के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया है और गिरिडीह में भी अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से अपने आप को अलग रखा और एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि आगे पुनः झारखंड बार काउंसिल का जो भी दिशा निर्देश मिलेगा उस आलोक में आगे आंदोलन की जाएगी। वही जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नू कांत ने कहा कि सूबे में अधिवक्ता और जज भी अब सुरक्षित नहीं रह गए हैं। राह चलते मॉर्निंग वॉक में निकले जज की हत्या कर दी जाती है, वही अधिवक्ता को गोली मार कर उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, जो काफी चिंतनीय विषय है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर हम लोगों ने डीसी को ज्ञापन भी सौंपा है और राज्य बार काउंसिल के आह्वान पर एक दिवसीय पेन डाउन स्ट्राइक किया है। राज्य में जितने भी अधिवक्ता हैं सभी का पेन डाउन स्ट्राइक है और ऐसा निर्देश हम लोगों को झारखंड स्टेट बार काउंसिल से मिला था, तो उसके अनुपालन में हम लोग आज कोई कार्य नहीं कर रहे हैं और जुडिशियल वर्क से हम लोग अपने आप को बिल्कुल अलग रखे हैं। और ये एक दिन का है, आगे जैसा भी निर्देश झारखंड स्टेट बार काउंसिल से हम लोगों को मिलेगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे।